मिलन की इच्छा जब पुत्र मिलन की इच्छा जब सुद्धोधन ने बतलाई वचन लेख को लेने चले कालुदाई। पुत्र मिलन की इच्छा जब सुद्धोधन ने बतलाई वचन लेकर बुद्ध को लेने चले कालुदाई। सिद्धार्थ संग जन्मे थे कीर्ति अनोखी पाई वर्ण काला था उनका नाम हुआ कालुदाई। समय जान कर उदाई ने शास्ता को बतलाया है दर्शन दीजे जनक को संदेश ये सुनाया है। बुद्ध हुए प्रसन्न अति उदाई की चतुरता जान है। उन महाश्रमण के चरण में वंदन हमारी शान है। एक गढ़िया राह में भेड़ झुंड ले जा रहा चोट लगी थी पैर में भेड़ से सुलंगड़ा रहा। महाकारुणिक बुद्ध भी उसी रास्ते जा रहे करुणा की उस शिशु पर अपनी गोद उठा रहे। माता मूल देखती मन में हो कृतार्थ है तथागत जीवन दर्शन का दृश्य ये अर्थ है। जीव मात्र पर करुणा की दीनी दृष्टि डाल है। उन महाश्रमण के चरण में वंदन हमारी शान है। तो चलते हैं फिर अपने विषय की तरफ। भाई और बहनों, पिछली बार मैंने आपको वार्ता जो सिद्धार्थ गौतम और बिंबिसार के बीच में हुई थी उसके बताया था। वहां पर सिद्धार्थ गौतम ने बिंबिसार को कहा था कि जितना डर जितना भय मुझे इन काम विषयों से लगता है उतना भय मुझे जंगली जानवरों से नहीं लगता, तड़ित से नहीं लगता है। जंगल के एकांत की जो अंधेरी रात की आवाजें हैं उनसे नहीं लगता है मुझे। अग्नि के शोलों से नहीं लगता है। इतना डर मुझे इतना भय मुझे इस विषय काम भोग के काम वासना के विषयों से लगता है इतना और किसी से डर नहीं लगता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जब सिद्धार्थ गौतम बन गए और बुद्ध बनने के बाद पहली बार वो कपिल वस्तु गए और जब वहां से लौटने लगे तो अंतिम प्रयास उनको ग्रस्त बनाने के लिए उनको वापस परिवार में लाने के लिए मंत्री द्वारा किया गया। शुद्धोधन ने मंत्री को भेजा जाइए कोई जतन करिए किसी भी तरह से वापिस लाइए कबो जो है इस संसार में आ जाए तो अच्छी बात है। तो शुद्धोधन ने अपने जो मंत्री था सलाहकार उससे पूछा कि आप ये जाकर के सिद्धार्थ को रोकने का प्रयास कर सकते हैं जिससे वो जो है परिवार में सम्मिलित हो जाए।
तो राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री बुद्ध के समक्ष जाता है और उनको अभिवादन करता है, उनकी अनुज्ञा प्राप्त करता है कुछ कहने के लिए। उसके बाद कहता है, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी तरह से बीधा है, हम सोच सकते हैं, हम भी ग्रस्त हैं, आप भी ग्रस्त हैं। जब आपका कोई प्रियजन आपसे तो आपको क्या फील होता है, और ऐसा व्यक्ति जिसका कोई वापस आने का चांस ही ना हो तब क्या होता है। बहुत हमारे साथी हैं, माताएं बहनें हैं, पिता हैं, भाई हैं, जब बच्चा हमारा सीमा पर लड़ने के लिए जाता है उस समय उनके मन में क्या पैदा होता है, हम सोच सकते। तो ये जो है मंत्री कह रहा है कि वो राजा को आपकी विदाई ने जो बुरी तरह से बीन दिया, वो जो विदाई के तीर हैं उन्होंने बुरी तरह से बीन दिया है, उनकी आंखों में हर समय आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावनाओं का जरा तो ख्याल करें, उस राजा की भावनाओं का जरा तो ख्याल करिए, थोड़ा सा तो ख्याल करिए। उसकी कामना है कि आप फिर से घर आए, वह तभी शांति से मर सकेंगे, वो तभी शांति से मर सकेंगे। यह उनका कहना है, राजा का कहना है, मैं नहीं कह रहा, ये राजा का कहना है, इसलिए मैं आपके पास आया। मैं जानता हूं कि आप धम पर स्थित हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि आपका यह संकल्प वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोग अग्नि से मेरा दिल जल रहा है, मेरा भी दिल जो है आपके वियोग का जो अग्नि है, जो ताप है, उससे मेरा भी दिल जो है जल रहा है। हे धम्म प्रिय, धम्म के लिए ही आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें, धम्म के लिए ही अपने इस संकल्प को छोड़ दें, कुछ समय के पृथ्वी के राज्य को भोगें, पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें, बाद में शास्त्र सम्मत विधि से अरण्यवास भी कर सकते हैं, अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी न बने, सभी के प्रति दयावान होना ही धम्म है। भाई बहनों, आजकल बहुत बड़ा ट्रैक चल रहा है शास्त्रों का, ये वही शास्त्र हैं जो उस समय भी कुछ शास्त्र थे, ज्यादा तो नहीं थे लेकिन कुछ ही थे, जिन अंदर ग्रस्त जीवन को बहुत उच्च बताया गया, और वास्तव में ग्रस्त जीवन उच्च है, जो ग्रस्त भी अपने पूर्णता तक पहुंच सकता है अगर वो जो बुद्ध के रास्ते पर सही चलता है, और पहुंचे हैं। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे वो अनाथ पिंडक का हो, चाहे विशाखा का हो, बहुत सारे उदाहरण है, ग्रस्त जो रहे वो अपनी पूर्णता तक पहुंचे। तो आगे कहता है वो, धम्म की साधना अनिवार्य तौर पर जंगल में नहीं होती, साधु घर में रहकर भी मुक्ति लाभ कर सकता है। साधु कई बार हमारे साथी आदरणीय धर्मचारी बोधि प्रकाश जी बताते हैं, साधु साधु कौन है, हाँ, तो ये वो साधु नहीं है, ज्ञान और आचरण ही धम्म के यथार्थ साधन है। साधु वेश और वनवास केवल कायरता का द्योतक। कुछ ऐसी बातें कही मंत्री ने ताकि जो है सिद्धार्थ गौतम वो बुद्ध के मन को लगे और वो जो वापस घर को आ जाए। शाक्य राजा दुख के सागर में डूबा हुआ है, जिसमें तीव्र वेदना की लहरें उठ रही, इसलिए तुम उसका उद्धार करो, क्योंकि उसकी वही दुरावस्था है वेदना को कम करें और आप वापिस चलें। और रानी प्रजापति गौतमी का भी ध्यान करिए,
आपको पाला पोसा है, कितना बड़ा किया है। जो अभी मृत्युलोक नहीं पधारी है, क्या आप उसकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे? वो बिना बछड़े की गाय के समान निरंतर रमाती रहती है, याद करती रहती है, रोती रहती है, उसकी भी चिंता करिए। और निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी यशोधरा को भी संतुष्ट रखना चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते हुए भी विधवा जैसा जीवन व्यतीत कर रही है। तो अपने पति के जीवित रहते हुए भी विधवा जैसा जीवन व्यतीत कर रही है, दुखी है वो। वह एक ऐसी हंसनी की तरह अपना जीवन जी रही है, हंस बिछड़ चुका है, उस हथनी की तरह अपना जीवन जी रही है जिसका हाथी उसे छोड़ के जंगल में चला गया है। इस प्रकार मंत्री ने भगवान बुद्ध के सामने रखे। तो भगवान बुद्ध उत्तर देते हैं वहां पर, मेरे प्रति राजा का जो बात सल्ल है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, पढ़ जाते हैं हम लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं। मेरे प्रति राजा का जो बात्सल्य भाव है उससे सुपरिचित हूं, मैं जानता हूं, अच्छी तरह से परिचित हूं। विशेष रूप से वह मेरे प्रति दर्शाया है, लेकिन यह सब होते हुए भी क्योंकि मैं संसार के दुखमय रूप से सुपरिचित हूं, मैंने संसार का जो दुखी रूप है, दुख से परिपूर्ण जो रूप है, उसको अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया है, अच्छी तरह से परिचित हो गया हूं, इसलिए मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूं। मैंने वो सच्चाई जान ली है जिसको आप नहीं जानते, मैं ही जानता हूं, वो वास्तविकता मैंने देख ली है, इसलिए मैं अपने संबंधियों का प्रत्याग करने के लिए मजबूर हूं। यदि संसार में प्रियजनों से अनिवार्य वियोग न होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ न रहता। बुद्ध कह रहे हैं मंत्री से कि अगर इस संसार में प्रियजनों से अनिवार्य वियोग नहीं होता, अगर उनसे हमारा लगाव नहीं होता, अगर हम उनसे नहीं बिछड़ते, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ नहीं रहता। लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा। अगर मैं जाता भी हूं वापस, लेकिन यह वियोग तो फिर होकर रहेगा, इसलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूं। यह वियोग तो होना होना है, आज नहीं होना है, कल होना है, कल नहीं होना, परसों होना है, और बार बार वियोग होना है। तो उस वियोग को मैं बार बार न करके दूंगा, आज मैं छोड़ के जा रहा हूं, एक ही बार हो जाए वो अच्छा है। लेकिन समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूं, क्योंकि वह अपने इस स्वप्नवत समागम के भावी वियोग की चिंता करता है। जो हमारा स्वप्नवत स्वागत ये समागम है, मिलन है, सपना है, एक तरह से बिछड़ना है, सब कोई बिछड़ना है, कोई भी नहीं रहने वाला, आगे पीछे सबको जाना है, सबको छोड़ना है, लेकिन फिर भी हम उस सपने में बने रहते हैं, इसलिए वो जो है इसकी चिंता करते हैं। में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए, योग के नाना रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए, न कोई पुत्र है, न कोई दूसरा संबंधी ही दुख का कारण है, सारा दुख अज्ञान के वशीभूत, सारा दुख अज्ञान जनित है, हम अज्ञानी हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह वियोग तो होना ही होना है, मैं बिछड़ना तो है ही है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, हम जो है अज्ञानी है उसमें, इसलिए हम जो है दुखी होते हैं। जिस प्रकार जो राई सड़क पर इकट्ठे होते हैं वे आगे चलकर प्रखर पृथक होते हैं, इसी प्रकार से आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी स्वप्न से पृथक होने पर दुखी क्यों होगा? ये सपना है, स्वप्न है,
कुछ भी नहीं, वास्तविकता इसके अंदर नहीं है, उसे वियोग होना ही होना है, उसे अलग होना ही होना है, तो दुखी क्यों हो? भले ही वह स्वजन उसका कितना प्रिय क्यों ना, उसका कितना भी प्रिय क्यों ना हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहां इस लोक में चला आता है। हम देख सकते हैं अपने को, आप देख सकते हो, जहां आप देख, जहां आप बैठे हो, क्या आपका बचपन वहां पर रहा है? आप पीछे छोड़, क्या आगे आने वाला समय यहां पर कटने वाला है? कुछ पता नहीं, यहां से भी हमको जाना पड़ेगा। तो फिर उसमें छोड़कर दूसरे में चला जाता है और वहां जाकर वहां से भी दूसरी जगह चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है, मानव का यही हाल है। एक मुक्त पुरुष इस के लिए दुखी क्यों, जब उसे इधर से उधर जाना ही है, एक दूसरे से बिछड़ना है, योग होना ही होना है, तो किस लिए दुखी हो? उसे तो चलते रहना है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। जब मां के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाती, मां के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाती है, तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वनगमन को असमय कैसे कहा, क्यों कहा? क्या मेरा ये जो है वनगमन असमय है? जब मृत्यु जन्म के साथ ही लग गई पीछे, तो कैसे असमय हो गया? एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय असमय हो सकता है, सांसारिक व्यक्ति वस्तु है, बहुत सारी भौतिक वस्तु जिसे काम लोग कहते, उसको प्राप्त करने में आपको समय असमय हो सकता है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन हर चीज के साथ समय हर चीज के साथ लगा ही है। समय संसार को नाना परिवर्तनों से गुजारता है, समय संसार को नाना परिवर्तनों से गुजारता है। कल आप कायानुसती कर रहे थे, वो परिवर्तन है, धीरे धीरे वो भी परिवर्तन है। आज बुद्धानुसती करोगे, ये भी परिवर्तन है। कल आप कुछ थे, आज कुछ हैं, ये भी परिवर्तन है। समय धीरे धीरे करके हर वस्तु को, हर उसको जो है परिवर्तनों से गुजारता रहता है, लेकिन जब जीवन अस्थिर, जीवन अस्थिर है, तो धम्म करने के लिए कोई असमय नहीं, धम्म के लिए कोई भी समय असमय नहीं। जब जीवन अस्थिर है, तो कभी भी आप धम्म को कमा सकते हैं, कभी भी आप धम्म को के ऊपर जा सकते हैं, कभी भी आप धम्म का आचरण कर सकते हैं, और कभी भी आप बाध्य हो सकते हैं। तो राजा का तो संकल्प ठीक ही है, एक पिता के योग्य है कि वह मुझे राज देना चाहे, लेकिन मेरे लिए यह कैसे होगा? जैसे रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर, अगर रोगी होता है तो उसे पथ्य बताया जाता है, और पथ्य से हटके क्या होगा, उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, असाध्य हो जाएगी। उसी प्रकार से मेरे लिए ये राज्य स्वीकार करना जो है, उसी तरह से है, इस प्रकार से रोगी के लिए उसके प्रतिकूल जो है भोजन दिया जाए, या वो जो है प्रतिकूल भोजन को ग्रहण करे। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है? जहां चिंता है, राजा को बहुत सारी चिंताएं होती हैं, जो दो धर के छोड़ के आ रहे, तो हर राजा को चिंता होती है, चाहे आज का हो चाहे पुराना हो, कभी भी देख लीजिए कोई भी राजा चिंता रहित नहीं है, उसे कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। और क्या है उसके अंदर? राग है, लिप्सा है, आसक्ति है, वो चिपका रहता है, राज्य से चिपका रहता है, अपने ऐश्वर्य से चिपका रहता है, हर चीज से चिपका रहता है, कहीं ये छूट न जाए मेरे से, कहीं ये मेरे से बिछड़ न जाए, कोई इसे चुरा न ले, हर समय वो जो है चिंता ग्रस्त रहता है, उसमें राग में फंसा रहता है। और जहां आसक्ति है वहां पर द्वेष भी पैदा होगा, वहां द्वेष भी पैदा होगा, क्योंकि उस आसक्ति में दुश्मन लगे हुए हैं, इसलिए दुश्मन होगा,
तो आसक्ति में जब दुश्मन है तो वहां द्वेष भी पैदा हो, तो द्वेष लगा हुआ है, और जब दाग और द्वेष मौजूद है वहां पर तो कलेश होगा ही होगा, उसका मन क्लांत होगा, वहां पर दूसरों के प्रति वहां पर अन्याय भी। आज आप देख रहे हो, खुली आंखों से देखिए आप, उस समय भगवान बुद्ध ने ये कहा है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, धम्मो सनातनो, ऐसे धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। कौन सा है, जो भगवान बुद्ध उस समय कह रहे थे, जो ये सनातन धर्म नहीं जो आज हमें सुनने को मिल रहा है, ये नहीं है, जो भगवान बुद्ध ने उस समय कहा है वैसा, जैसा उस समय कहा है उस समय भी वही लागू था, 100% लागू था, उसी प्रकार से 100% आज भी लागू है। जो बात उस समय लागू थी उस समय भी आज भी लागू है, उस समय सत्य थी तो आज भी सत्य, यही धर्म जो है सनातन है। तो भगवान बुद्ध यहां पर कह रहे हैं कि दूसरों के प्रति अन्याय भी उसमें से पैदा होता है, जहां राग द्वेष होगा वहां पर जो है कलेश होगा, और कलेश होगा तो अन्याय भी वहां पर मौजूद होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे जिसमें आग लगी हुई है और मैं झुलस रहा हूं, सोने के महल में मैं जो है आग लगी हुई है और मैं झुलस रहा हूं, और अच्छे से अच्छे जो भोजन है जिनको राजसी भोजन कहा जाता है वो मुझे विष के समान महसूस होते हैं, वो डस लेते हैं, बार बार मन करता है उनके लिए, विष धर हैं, बहुत बड़े भारी विष धर हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। और जो कमल पुष्पों से आच्छादित जो सैया है, जो आदित मेरी सैया है, वो मुझे ऐसी महसूस होती है जैसे मगरमच्छ लेट रहे हूं, उस सैया के ऊपर मगरमच्छ लेट रहे। तो हे मंत्री, ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं जो है किसी तरह से वापस नहीं जा सकता हूं। कुछ है आबा नहीं, इसमें मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं, तपस्या और साधना मैंने स्वयं को जान लिया है, मैंने अपने को जान लिया अच्छी तरह से, मैं किसी ऐसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञान पर आश्रित हो और जिसका जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ, मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों बातें पहले से सही मान लिया जाता है। आज बहुत बड़ी चर्चाएं चल रही, आज बहुत सारी चर्चाएं चल रही, कभी गीता के ऊपर आ जाते, कभी रामचरितमानस के ऊपर आ जाते, कभी रामायण के ऊपर आ जाते, कभी किसी के ऊपर आ जाते, बहुत सारी चर्चाएं चल रही। तो ये पहले से ही सही मान के चल रहे तो उसमें क्या गलती का एहसास हो सकता है, कहीं पर गलती का कोई हम उंगली उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा, मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे जाति बनी। भगवान बुद्ध कह रहे हैं यहाँ पर कि जो है मानव जाति जो है जिस प्रकार से अंधे के पीछे अंधा चल रहा है, इसी प्रकार जाति है एक अंधे के पीछे चल रही है और बिल्कुल आंख से हीन बनी हुई है, वो देखने के लिए तैयार है ही नहीं। आज देख सकते हो, आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा, आदमी को पशु भी नहीं समझा जा रहा, पशु से भी नीचा समझा जा रहा। लेकिन जो कोई सच कोई सत्य और झूठ में विवेक न कर सके, यदि कोई भलाई और बुराई के तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही लगाए रहना चाहिए। सत्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम कल्याणकारी ही हो सकता है। हाँ, क्या कह रहे हैं यहां पर कि सत्वृत्ति वाले को थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम, अगर व्यर्थ का परिश्रम कर देगा यह उसका भला कर सकता है, वो भी कल्याणकारी हो सकता है। लेकिन यह देख करके पवित्र परंपरा का भी ठिकाना नहीं, जो पवित्र परंपराएं बताई गई हैं उनका भी ठिकाना नहीं, यह समझ लो ठीक वही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो, और विश्वसनीयता का मतलब है निर्दोषता, पवित्रता। जो सर्वथा निर्दोष है वह सत्य का अपलाप कर ही नहीं सकता, जो निर्दोष है वो सत्य को
बता ही नहीं सकता, उसे खोल ही नहीं सकता है। पहले भी बताया था, पिछले उसमें भी बताया था कि गूंगे का गुड़ है, जिसे प्राप्त हो जाएगा वो भी नहीं बोल पाएगा। पर तुम मुझे घर लौटकर चलने के बारे में कह रहे हो और अपने पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हो, तो ऐसे लोगों की क्या प्रामाणिकता जिन्होंने अपने व्रत को ही तोड़ दिया, जो अपने व्रत पर रुके ही नहीं। तो आप समझ सकते हो कि बुद्ध ने अपने व्रत को नहीं तोड़ा था, बुद्ध अकेले रह गए थे, पंचवर्गीय भिक्षु उनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरा तो रास्ता यही है और इसी रास्ते को पकड़ूंगा, मेरा ही रास्ता है जो मुझे ले जाएगा, भले ही मैं अकेला रह जाऊं। और फिर अंत में उन्होंने क्या कहा था, मेरा शरीर सूख जाए चाहे मेरा यहाँ जान ही चली जाए, लेकिन जब तक मुझे रास्ता तब तक इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो उनका दृढ़ संकल्प ही उनको आगे तक लेके गया। यह सूर्य पृथ्वी पर आगरे चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी हालत में इंद्रिय विषय मुख होकर घर नहीं लौटू। आप जो कह रहे हो वो आप अपनी जगह पर हो, लेकिन मेरा भी दृढ़ निश्चय है, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौट सकता। इतना कहा और अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वथा उपेक्षावा उठकर चल दी। तो भाई और बहनों, ये जो है बहुत ही अच्छे वार्तालाप है। अगर हम थोड़ा सा भी इस पर चिंतन करें, थोड़ा सा भी हम इस पर अमल करें, तो हम भी कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं हम भी इसके लिए कि हम क्या छोड़ना चाहते हैं, क्या हम छोड़ रहे हैं, क्या हम नहीं छोड़ना चाहते, क्यों नहीं छोड़ना चाहते, सवाल अपने से पैदा करिए, इससे हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे सुना, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आपके अंतर्मन को नमन करते हुए धम्मित्र लाल जी।